दोस्तों ये है अपनी इंडियन बाई ड्राइविंग 3D गेम जिसके ग्राफिक्स 2024 में ऐसे दिख रही है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है इस गेम के ग्राफिक्स 1924 में कैसे दिखते होंगे? इतना ही नहीं, अगर ये गेम 1000 साल तक चले तो इसके ग्राफिक्स 3024 में कैसे दिखेंगे? वेल दोस्तों ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1924 में तो गेम थी नहीं और 3024 तक गेम चलेगी नहीं। लेकिन हमें भी जानना है कि 1924 एंड 3024 में ये ग्राफिक्स कैसे दिखेंगे। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया है, एक AI टूल की मदद से अपने नॉर्मल 2024 के ग्राफिक्स को 1924 एंड 3024 में रीडिजाइन करके देखा है। मुझे तो यार देखकर बिल्कुल बहुत मजा आ गया, इसलिए तो मैंने वीडियो बनाए है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी दिखा देता हूँ, कसम से यार तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। और अगर दोस्तों तुम भी इस AI एप्लीकेशन की मदद से अपनी लोकेशन को एनहेंस करके ऐसा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में आगे मैं तुम्हें इस एप्लीकेशन का नेम बता दूंगा, बिल्कुल फ्री आराम से यूज कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो मैंने अपनी इंडियन मैस ड्राइविंग 3D गेम को ओपन कर लिया है। मैं ना ऐसा करता हूँ, एक जेट पैक स्पॉन करके सबसे पहले ना फ्रैंकलिन का जो ये घर है ना, इससे AI की मदद से 1924 एंड 3024 के ग्राफिक्स में इनहेंस करके देखते हैं कि इसका घर कैसे देखने वाला है। तो यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल कर जल्दी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इनहेंस करके देखता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाली है, इसको मैंने इनहेंस भी कर दिया है और ये सब यकीन ही नहीं हो रहा। रिजल्ट चेक करो, ये 3024 की ग्राफिक्स, जल्दी से तुम अभी ये देखो 1924 की ग्राफिक्स। भाई सब ग्राफिक्स तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो अपना घर है इसे देख कर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज रहते हो। अभी ना दोस्तों मैं ना ऐसा करता हूँ, पुलिस स्टेशन चलकर पुलिस स्टेशन को इनहेंस करके देखते हैं कि ये कैसे देखने वाली है। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है और गाइस इनहेंस भी कर लिया है। वॉइस सब 3024 के ग्राफिक्स में चेक करो। यार मैंने तो पुलिस स्टेशन को इनहेंस किया, लेकिन इसके पीछे तो पूरा शहर बन चुका है। एक सेकंड, वो बुर्ज खलीफा है क्या? ये देख कर मुझे पता नहीं क्यों दुबई याद आ रहा है। खैर जो भी है, अच्छा ये अभी तुम 1924 के ग्राफिक्स में चेक करो। भाई साहब ये तो पुराने जमाने वाला, वो ऐसे क्या कहते हैं यार, मैं इसका नाम बोल चुका हूँ। खैर जो भी, वही पुराने जमाने वाला लग रहा है। अभी दोस्तों मैं ना यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एयरपोर्ट को भी इनहेंस करके देखा जाए कि ये कैसा दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पर एयरपोर्ट में पहले ये जो 3 प्लेन है ना इनहेंस करके देखता हूँ, उसके बाद राइट साइड वाली बिल्डिंग को इनहेंस करेंगे। ओए होए 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 होए, भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम साइबर पंक गेम खेल रहे हो। ऐसे जहाज यार तुमने कहीं देखे हैं? मुझे कमेंट्स में बताना, बाकी अभी 1924 के ग्राफिक्स में देखो। भाई वेट, ये क्या, ये प्लेन तो एक कचरे में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सामने वाला प्लेन गायब, राइट साइड वाला प्लेन भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ऊपर में ये जो बादल है ना, भाई मौसम को बहुत ही खतरनाक बना दिया है। इन पीछे वाला जो सिटी है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन हुआ है। अभी गाइज ये राइट साइड वाली एयरपोर्ट की बिल्डिंग चेक करना, इसको मैंने इनहेंस कर दिया है। भाई सब ये क्या ही व्यू दिख रहा है यार, जितनी भी हमने पीछे लोकेशंस देखी उनमें सबसे ज्यादा अच्छी मुझे अभी ये लग रही है। और तो और AI ने इस इमेज में सूरज को भी रीडिजाइन किया है। भाई ये देख कर थोड़ी रियलिस्टिक फील आ रही है। बाकी पीछे वो ना बुर्ज अल अरब और वो जो 5-स्टार वाली होटल है, वो होटल्स लग रही हैं। खैर गाइस जो भी, अच्छा है अभी तुम 1924 के ग्राफिक्स चेक करो। वेट भाई ये क्या है, पीछे AI ने बहुत सारी फसलें बना ली है। वो जो लास्ट वाली बिल्डिंग है वो तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेकिन ये जो अपनी बिल्डिंग हमने इनहेंस करी है बिल्कुल यार कचरा हो चुकी है। खैर इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है, काम चल जाएगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ, अपना ये जो सिटी है ना इसको एनहेंस करके देखते हैं। इसको पहले तुम 1924 के ग्राफिक्स में देखो, इसके बाद 3024 में देखेंगे। भाई साहब यहाँ पर तो ऐसे फर्स्ट क्लास में देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यार कोई कब्रिस्तान हो, लेकिन कब्रिस्तान में बिल्डिंग्स नहीं होती, यहाँ पर बिल्डिंग्स बन चुकी है। इसको छोड़ा भी तुम ये 3024 के ग्राफिक्स देखो, भाई लिटरली ये पता नहीं क्यों फोटो में मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई दुबई का मैप हो। भाई पीछे देखो कितना बड़ा समंदर AI ने डिजाइन किया है, एंड ये जो बिल्डिंग्स भी किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी की तरह लग रही हैं। अभी ना दोस्तों मैं आया हूँ
अपने ओल्ड हाउस पर इसको एनहेंस करके चेक करते हैं। ओए होए होए हे भाई साहब, इसके ग्राफिक्स चेक करो, यहाँ सीढ़ियों के नीचे गैरेज बन चुका है। इन ऊपर में जो क्लाउड्स है ना, ये भी बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। अभी गए तुम फ्रैंकलिन के हाउस को 1924 की ग्राफिक्स में देखो भाई साहब, अगर इस जमाने में ये घर होता तो ऐसा दिखता। वेल दोस्तों, अभी ना मैं आया पेट्रोल पंप पर। जल्दी से ऐसा करते हैं, पेट्रोल स्टेशन का एक अच्छा सा स्क्रीन शॉट निकाल कर इसे एनहेंस करके देखते हैं। ओके तो गाइस, मैंने इसको एनहेंस कर दिए भाई। ये तो पेट्रोल पंप नहीं बल्कि दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये इलेक्ट्रिक पंप हो। इसी को ये अगर गाइस तुम 1924 के ग्राफिक्स में देखोगे तो यार तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सदियों पुरानी कोई चीज, और सामने वाला जो रूम है ऑफिस, ये तो भाई दिखने में ही डरावना लग रहा है। वेल गाइज, यही थी लोकेशंस। अगर तुम्हें इसका पार्ट वन देखना है तो स्क्रीन पर जो तुम्हें वीडियो शो हो रहा है, जल्दी से इसमें आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे।